थोड़ा सा बताएं जरा स्ट्रगल के बारे में उस वक्त कि क्या बचपन से किस तरह के घर में हालात थे। आपने भी कभी कोई दूसरी शादी का सोचा? हम अब नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने, क्रिकेटर्स ने, जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी, उन्होंने दूसरी की है। आफत साहब आप हमें मशवरे दे रहे हैं, आपने लगता दो की हुई है। नहीं भाई, मेरी एक ही है। आपने ये इशू उठाया कि बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए, आपने मुझे इस सवाल में दोनों चीजें आपने कह तो दी है, अब मैं किस पे रहूं मुझे समझ नहीं आ रही। बस कोशिश करते हैं, देखिए जब आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं तो वो पाकिस्तान पहले होता है। कोशिश करते हैं ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। छुट्टी ले ली है, 7 साल बड़े हैं शावर जर्मी के लिए। अच्छा, आपने वो ACC के जो सदर हैं जय शाह जी, उनके बारे में आपने कुछ कहा था, क्या उन्होंने कोई फिर उसका जवाब दिया या उस पर कुछ हो रहा है या क्या चल रहा है? सबसे ज़्यादा आप जब खेलते थे तो किस बॉलर से आप घबराते थे? आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली से हमारा ताल्लुक था, इतना वसाइल नहीं थे हमारे पास कि हम लोग इजीली कोई चीज़ें अपनी क्रिकेट की ले सकें, तो उस चीज़ की वजह से वालिद साहब ने वो बेचनी पड़ी, चीज़ें ली हैं, खेल ली हैं। बाबर से आगे जाना उसकी मेहनत है और परफॉर्मेंस तो होती है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के लिए इस वक्त एसेट है रिजवान। सबसे पहले मेरे ख्याल उससे पहले कोई गाड़ी थी उस वक्त, आप कल्टस पे आते होते थे पंजाब यूनिवर्सिटी? वो कल्टस खेलने के बाद ली थी, उससे पहले मोटरसाइकिल होती थी, वो भी बेच दी थी। ख्याल रखना इंदर, ख्याल रखना बड़ा जरूरी है उनका, नहीं तो इशू बड़े पैड़े बन जाते। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हाफिज अहमद है और आप देख रहे हैं हाफिज अहमद पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारी दुनिया जानती है, उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन अभी भी हैं और जब खेलते थे बहुत ही ज़बरदस्त खेलते थे, सारी दुनिया जानती है, इसलिए ज़रूरत नहीं है बताने की। मज़ीद तारुफ़ की तो हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अकबर। कामरान भाई थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले आपका हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में बुलाने का, और खुशी हुई और फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा लास्ट ना हो। अच्छा, और मैं तो आपको उससे भी पहले का जानता हूँ क्योंकि मैं और इमरान फरहत हम एक मोहल्ले में रहते थे, आप उस वक्त आते जाते होते थे। सबसे पहले मेरे ख्याल उससे पहले कोई गाड़ी थी उस वक्त, आप कल्टस पे आते होते थे पंजाब यूनिवर्सिटी? वो कल्टस खेलने के बाद ली थी, उससे पहले मोटरसाइकिल होती थी, वो भी बेच दी थी। अच्छा, कि आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली से हमारा ताल्लुक था, इतना वसाइल नहीं थे हमारे पास कि हम लोग इजीली कोई चीज़ें अपनी क्रिकेट की ले सकें, तो उस चीज़ की वजह से वालिद साहब ने वो बेचनी पड़ी, चीज़ें ली हैं, खेल ली हैं। तो कल्टस तो उस वक्त आई है जब हम लोग खेल गए हैं, 2-4 पैसे आ गए हमें PCB से मिले हैं, तो थोड़े वाले साहब ने कहा चीज़ें बनती रहेगी, पहले आप अपनी सेफ्टी रखें, गाड़ी लें जिस सवारी ले आने जाने के लिए आपको सेफली आप ग्राउंड में जा सकें। बाइक पे जाना थोड़ा रिस्की होता था, लेकिन बाइक भी होती थी तो अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, वाले साहब लेके जाते थे उसी से। थोड़ा सा बताएं जरा स्ट्रगल के बारे में उस वक्त कि क्या बचपन से किस तरह के घर में हालात थे, या क्रिकेट का ऑफकोर्स सामान काफी महंगा होता है तो किस तरीके से आपने मैनेज किया? जब मैंने शुरू की थी उस वक्त, उस टाइम के लिहाज से मेरे लिए तो बहुत ही महंगा था, लेकिन इतनी महंगाई नहीं होती थी, चीज़ें इजीली मिल जाती थी। बैड उस वक्त 800-900 का, 1000 रुपये का अच्छा बैड मिल जाता था। मुझे याद है विंटर स्पोर्ट्स होती थी चिपुरसी में, वहाँ जाके बैड की ज़रूरत होती थी तो ले लेते थे। उस वक्त ले नहीं ले, वो मेरी क्लब ने लेके दी है मुझे, मेरी क्रिकेट सेंटर ने, अच्छा। शाह भाई ने, वो भी चीज़ें मेरी क्लब मुझे लेके देते थे। नवाब साहब होते थे, नवाब सन्स यहाँ पे लिबर्टी में फोटोग्राफर होते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने फाइनेंशियली मुझे बड़ी सपोर्ट की है, सामान मुझे वो कभी कभार लेके दे देते थे। फिर वाले साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे हम भाइयों में से कोई एक क्रिकेटर बने, तो अल्लाह का शुक्र है मैं बना हूँ। शौक भी था, एक पतंगबाजी का शौक था, आपको पता लाहौर लाहौर हो ये तो जरूरी है ना, लेकिन ये है कि क्रिकेट खेलने का शौक भी था, जाते थे खेलने अबू वगैरह के साथ, मोहल्ले की टीम के साथ जाते थे, तो सिर्फ फील्डिंग कर लेते थे उसी में हम लोग बड़ा खुश होते थे। तो ऐसे फिर ग्राउंड में आने दिया, डेवलप हुआ शौक, फिर स्ट्रगल, आपको पता है कि स्ट्रीट क्रिकेट से खेलना शुरू किया, वाले साहब ने खिलाना शुरू किया। स्ट्रगल के बगैर कुछ नहीं है, जिसने लंबी क्रिकेट खेलनी है, जिसने नाम बनाना है, तो वो स्ट्रगल तो उसको करनी पड़ेगी। और इस मामले में मेरी फैमिली, मैं बड़ा फैमिली का शुक्र अदा करता हूँ अपनी, जिन्होंने सपोर्ट किया, दुआएं उनकी, माँ बाप की, भाइयों की, सब की, जो अल्लाह ने आज इज्जत दी हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उस वक्त जब आपने क्रिकेट खेली और आज जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हम तकरीबन 20 साल का गैप रख लें आपके बचपन से और आज के, क्या फ़र्क है उसमें? उस वक्त ज़्यादा आसान था टीम तक पहुंचना या आज ज़्यादा आसान है, या क्या चीज़ें हैं इसमें? सर आजकल तो आप आंखें बंद करें खोलें तो टीम में होते हैं आप, ये आजकल ज़्यादा हो गया। उस वक्त आपको एक प्रोसेस के साथ आना पड़ता, गुजरना उस पड़ता वक्त आपको स्कूल क्रिकेट भी होती थी,
आपकी कॉलेज क्रिकेट भी होती थी, क्लब क्रिकेट, क्लब क्रिकेट उसके बाद टफ होती थी, इतना कंपटीशन होता था, नेट में बारी नहीं मिलती होती थी, इतने लड़के होते थे, इतने प्लेयर्स होते थे, छः छः महीने साल साल लड़के सिर्फ क्लब में जाते थे, खड़े होके आ जाते थे या नॉकिंग करवा के आ जाते थे। मैं लकी था कि मुझे क्लब क्रिकेट सेंटर जैसा मिला, नुशाद भाई ने जैसे सपोर्ट किया, क्लब ने मेरी ने जाते साथ मुझे खिलाना शुरू कर दिया था। मेरा एक दोस्त था मुदस्सर, वो मुझे लेके गया था वहाँ पे, मैंने उससे रिक्वेस्ट की मुझे अपने क्लब में ले जाओ, ट्रफ होती है मुझे थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाएगी, मैं क्लब यंग था एंड 13-14 साल का था, तो वो गया वहाँ पे, मुझे सीनियर के मैचेस मिलने शुरू हो गए थे, तो वो बड़ा कंपटीशन होता था। फिर डोमेस्टिक में अंडर 19 मुझे बिल्कुल नहीं खिलाई, अंडर 19 दो मैच मैं खेला हूँ अंडर 19 के, तो ये आप अंदाजा लगा ले कंपटीशन कितना होता था अंडर 19 में, अंडर 15 में एक वर्ल्ड कप खेला हूँ। लेकिन यह है कि उस वक्त बहुत मुश्किल और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होती थी, आजकल तो कुछ नहीं, आप एक दो इनिंग्स खेले आपके सामने है, अच्छा परफॉर्म कर लिया PSL में, वो भी परफॉर्म करे टीम में आ जाए, एक दो बॉल 140 प्लस करे तो टीम में आ जाए, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई इसी वजह से नुकसान हो रहा पाकिस्तान की क्रिकेट को। ज़ाती तौर पे आप क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म कर दिया PSL में, तो आप क्या समझते हैं कि उसको थोड़ा सा क्लब और डोमेस्टिक खिला के फिर टीम में लेना चाहिए या जैसे डायरेक्ट ले लेते हैं, ये प्रोसेस ठीक है? टीम में लाने का तरीका क्या है? हम लोग आए हैं टीम में, हम लोग डोमेस्टिक का सीजन हमारा था कोई 3-4 साल का, आजकल तो कोई लड़का डोमेस्टिक का एक मैच नहीं होता। हारिस रऊफ आप देख लें, पाकिस्तान पहले खेला डोमेस्टिक का, बाद में उसका डेब्यू हुआ। ये जितने प्लेयर्स हैं, स्वाई इमाम और बाबर को निकाल ले, रिजवान को निकाल ले, ये एक प्रोसेस के साथ आए हैं, बाकी सारे तो शॉर्टकट रास्ते से आए हैं, कोई डोमेस्टिक में मार नहीं खाई, कोई एक्सपीरियंस नहीं है और क्लब लेवल की क्रिकेट नहीं है, क्या नाम है, अंडर 19 नहीं है, कोई डोमेस्टिक के कोई मैचेस होते हैं वो उसके थ्रू तो कोई भी नहीं आया हुआ, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा अफसोस होता है, लड़कों का कसूर नहीं है, लानों वालों का मैं बोलता हूँ, और उसका आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। ठीक है, हम लोग आप समझते हैं कि आप अभी 5 वर्ल्ड कप बैक टू बैक रख लें, आप एक वर्ल्ड कप में भी नहीं कहेंगे कि हम जीत के आएंगे। अभी भी जैसे हम फाइनल में पहुंचे वो तो नेदरलैंड से मेहरबानी की है, तो हम पहुंचे हैं माशाल्लाह। हाफज भी हैं, आपको ही पता है कि ये खास करम अल्लाह पे, बेशक 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 इस पे तो बल्कि लोगों का यकीन बढ़ा है कि दुआओं से भी काम हो जाता है, दुआओं से ही काम है, दुआओं का ही काम था, नहीं तो हम इस काबिल नहीं थे कि हम लोग सेमीफाइनल और फाइनल भी खेले। बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़ी बड़ी टीमें वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, इंडिया जैसी साउथ अफ्रीका कितनी बड़ी टीम थी वो चौक कर गए हैं, फिर क्या नाम है ऑस्ट्रेलिया की टीम जिनके मुल्क में हो रहा है वो क्वालिफाई नहीं कर सके, तो ये खास करम है अल्लाह का पाकिस्तानी की टीम पे, पाकिस्तान की क्रिकेट पे, मुश्किल टाइम से निकल जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सही रास्ते की तरफ है। हम पहले दो मैचेस नहीं भूल सकते, चाहे हम लोग फाइनल खेल गए हैं, वो हारने वाले नहीं थे। बिल्कुल, जिसने टीमें बनानी है, क्रिकेट ऊपर लेके जानी है, प्रोफेशनल टीमें वो उस मैचेस को नहीं भूलेंगी, उस पर काम करेंगे, हमारा अनफॉर्चुनेटली उस पर काम नहीं होगा। हम मंजन बेचेंगे फाइनल का, हम फाइनल तक क्वालिफाई करके इंडिया नहीं पहुंची, ऑस्ट्रेलिया के मुल्क में ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंची, इस पे हम लोग चल पड़ेंगे। मैंने कमरान भी इस पर ट्वीट भी किया था और फेसबुक पे, जब पाकिस्तान पहुंचा ना फाइनल में तो मैंने एक लाइन लिखी थी कि हम पाकिस्तान को जबरदस्ती सेमीफाइनल में भेजने पर नेदरलैंड्स का शुक्रिया अदा करते हैं। वो तो एक ये तो एक तुक्का लगाना, यानी टीम अपनी कारकर्दगी से तो नहीं पहुंची है यहाँ तक। देखिए बिल्कुल नहीं पहुंची, मैं हम भी ट्रांसमिशन कर रहे थे अपनी एयरवाइज न्यूज़ पे, जी जी, उस पर भी हमने कहा था कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर मारेगी साउथ अफ्रीका, बहुत ही बुरा क्रिकेट क्रिकेट खेलेगी तो नहीं पहुंचेगी, उनके साथ बैड लग गई हुई, जिम्बाब्वे वाले मैच पे वॉश आउट हुआ, एक पॉइंट उनका जाया हुआ, 5 मिनट वो मैच भी लेट शुरू हुआ, DL वो डकवेल लुईस सारा बनाने में उतनी देर में बारिश आ गई, 5 मिनट अगर गेम हो जाती 2 बॉलों में डिकॉक ने मैच खत्म कर देना था, वो टाइम वेस्ट हुआ, वो किसी को नहीं पता, किसी ने उस पर डिस्कस नहीं किया, छोटी छोटी चीजें जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका नहीं पहुंची। फिर नेदरलैंड के खिलाफ हम तो नेदरलैंड का तो सारी जिंदगी आसान नहीं बोल सकते, जो उन्होंने काम किया, जो उन्होंने पाकिस्तान टीम को पहुंचा दिया, लेकिन हमारे में क्या है, हमने क्या करना, हमने बेहतर कैसे करना, क्या हमने इन्हीं चेहरों के साथ बेहतर होना, मैं लड़कों की नहीं बात कर रहा, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चीफ सिलेक्टर की, मैं बात कर रहा हूँ सिलेक्शन कमेटी की पूरी, मैं बात कर रहा हूँ हाई परफॉर्मेंस कैंप के नदीम खान की, मैं बात कर रहा हूँ जिनके हाथों में डोमेस्टिक क्रिकेट है। क्या चेयरमैन साहब समझते हैं कि 3 साल उनको मिले हैं तो हमारी क्रिकेट सही डायरेक्शन में जा रही है? ये कभी नहीं हो सकता।
एज अगर वो चेयरमैन ना होते सबसे ज्यादा वो बात कर रहे होते इस सिस्टम पे के, तो ये मेरे ख्याल से अब क्रिकेटर है, क्या नाम है, पाकिस्तान के बड़े नाम है, 92 के चैंपियन है, पाकिस्तान को पहली खुशी उन्होंने ला के दी, उस टीम ने ला के दी है, उससे बेहतर क्रिकेट मेरा नहीं ख्याल कि हम जैसे बताएं या मशवरे दें या बात करें, बिल्कुल उनको समझना चाहिए। अब इंडियन ने क्या किया, पूरी सिलेक्शन कमेटी सैक कर दी ना उन्होंने, नहीं उन्होंने देखा कि नहीं डिलीवर किया, नए चेहरे आ जाएंगे, तो ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेयरमैन साहब को करना चाहिए, इनकी जगह नए चेहरे लाने चाहिए, मैनेजमेंट टीम के साथ है उनको चेंज करके, हेड कोच जो भी है उनको चेंज करके नए चेहरे ला दें। सकलैन भाई ठीक है फाइनल खेल गए हैं, लास्ट ईयर हम लास्ट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले, क्या वो वर्ल्ड कप हारने वाला था, बड़ी टीम बनी थी हमारी कंडीशन में, वो जीत नहीं सके, बिल्कुल। अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि वो सेमीफाइनल हम लोग हारे, चेयरमैन साहब ने क्या किया, प्लेयरों को बुलाया, इनाम दिए, कैश अवार्ड दिए, सारा कुछ, बिल्कुल। इस साल अभी तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि फाइनल खेले हैं, फाइनल खेले, पहले दो मैचेस खराब रहे, व्हाटएवर जो भी है उसकी वजह से, व्हाटएवर जो भी है, इससे पहले टीमें आईसीसी का फाइनल खेलती थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दुनिया जितने स्पॉन्सर है सारे वो बुलाते थे, बिल्कुल कुछ ना कुछ होते, कुछ थे ना कुछ, इस दफा नहीं हुआ, इस दफा आप देखें नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड भी समझता कि अल्लाह का खास करम रहा, अगर आप वो समझते कि हमने स्टार्ट अच्छा किया फिनिश भी अच्छा किया तो 2021 से ज्यादा नवाजना चाहिए, और अभी भी नवाजना चाहिए, फाइनल फाइनल ही होता है, लेकिन ये ना भूलें कि पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान क्या हो रहा है, कैसे ऊपर लेके जाना, अपनी वीकनेस ना छुपाएं इन चीजों के पीछे, नहीं तो हम और नीचे चले जाएंगे, ये नुकसान है। अच्छा आपने अभी पिछले दिन एक खबर चल रही थी कि जी आपने तनकीद की और बोर्ड ने फैसला किया आपके खिलाफ एक्शन लेने का, नोटिस आएगा, फिर मैंने दोबारा खबर देखी कि बोर्ड ने फैसला किया जी कोई एक्शन नहीं लेना, ये क्या है? बस ऐसे ही है, अभी तक मेरे पास कोई आया होता या चेयरमैन साहब कहते जी जी तो मैंने भेजा, तो फिर अब मैं जवाब दूँ या कोई ऐसी बात करूँ, ऐसी कोई बात नहीं की है हमने, सिर्फ कोई आपने सारा कुछ देखा मेरे अपने चैनल जो भी है, लेकिन हम बात करते हैं क्रिकेट बेस, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में, कोई पर्सनल बिलो द बेल्ट बात नहीं करते, मैं भी इतनी क्रिकेट खेला हूँ इस पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान ने इज्जत दी है, तो मुझे भी समझ आती है कि प्लेयर्स कैसे आते हैं, कितनी मेहनत के साथ आते हैं, कितनी स्ट्रगल के बाद आते हैं, तो मैं प्लेयरों को तो मैं कभी नहीं कर सकता ना उनकी परफॉर्मेंस को हाईलाइट, हाँ परफॉर्मेंस को आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि इतने मैचेस होंगे ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं, तो प्लेयर्स भी चेंज होने चाहिए। आप ऐसे क्या नाम है चांसेस देते रहेंगे कि नहीं वो अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, टैलेंट है, मिलता अच्छा है, क्या नाम है, गैदरिंग अच्छी है, तो अगर आप इस सेंस में प्लेयर्स को मौके देते जाएंगे तो उसका भी नुकसान है, तो इस सेंस में हम लोग बात करते हैं, और बाकी जो भी है ऐसा ऐसी कोई खबर नहीं, अगर होती तो चेयरमैन साहब मीडिया पे आके कह देते, कोई स्टेटमेंट दे देते, कोई मेरे ख्याल से ऐसे किसी ने बात की है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा बाबर के बारे में आपने बात की, आपके चचा के बेटे हैं, आपके फर्स्ट कज़न हैं, तो ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि बाबर ने कुछ ऐसी बात की थी कि कोई कज़न था हमारा वो हमें जूते नहीं देता था, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके बाकी कज़न भी क्रिकेट खेलते हैं, तो लोगों ने क्यों समझ लिया कि वो बात आपके ज़्यादातर मीडिया ने मतलब आप भाइयों पे, उमर भाई पे या अदनान भाई पे या आप पे डाल दी, उस बात की क्या हकीकत है, क्या वो सच भी है या उसका जिम्मेदार कौन? बात सच है या नहीं, लेकिन ये है कि उस वक्त स्क्रीन पे हम लोग ही हैं, बाबर के बाद, बाबर से पहले हम लोग ही हैं, बाबर बाद में आया, हम तीनों पहले आए हैं, तो वो इसलिए जरा कनेक्शन लोग मिला देते हैं, आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कोई ना कोई वजह बना देते हैं, और ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ऐसी छोटी ज़हनियत के हम लोग हैं और ना कर सकते हैं, हम किसी गैर के साथ नहीं कर सकते, क्लब में आप आके देखें क्या कुछ नहीं, उन लड़कों के पास जो होता है बैग खुला होता है खुली किताब की तरह, जो लड़कों को पसंद है मिल जाता है उनको, लेकिन ऐसा ये बाबर ही बता सकता है, कज़न और भी है, नाम लेना चाहिए बाबर को, क्योंकि उसको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का कप्तान है, अगर मैं ये बात करूँगा तो बात किस पे आएगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। पहली बात तो खानदानी जो होते हैं ना, जो खानदान की बातें होती हैं बहुत सी होती हैं, आपकी फैमिली मेरी फैमिली हर घर की होती है, हर घर की होती, बिल्कुल, तो अगर मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है तो मैं अपने खानदान की आके बातें मीडिया पे करूँ तो मैं बड़ा छोटा इंसान लगूंगा, तो मैं करना नहीं चाहता वो बात, और इस खानदान ने जो भी है इख्तलाफात होते हैं, लेकिन वो मेरे बड़े हैं, मेरे अजीज हैं, मेरा ये काम नहीं कि मैं आके मीडिया पे ऐसी बातें करी, छोटी बातें करूँ। अच्छा ये तो चलें इस पर्सनल मैटर को हम साइड पे करते हैं,
क्रिकेट के ओपिनियन आपका क्या है बाबर की कप्तानी पे, क्योंकि आपने ये इशू उठाया कि बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए और क्रिकेट आप ये कहते हैं बहुत अच्छा खेल रहा है लेकिन कप्तानी उससे सही नहीं हो रही। देखिए तो इसके क्या वजह, मैंने ये नहीं उठाया कि बाबर को कप्तान नहीं होना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा वो कप्तान है, उस पर प्रेशर आ रहा है, परफॉर्मेंस उसकी जब से कप्तान बना हुआ आपने देखा है कि डाउन होती है उसकी, अपनी परफॉर्मेंस वो नहीं रही जो पहले। हम चाहते हैं कि वो प्लेयर्स ऐसा मिला हमें इतने ग्रेट प्लेयरों के बाद, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम, जावेद मियादाद, जहीर अब्बास, सईद अनवर, ये प्लेयर्स ऐसा हमारे पास आया लंबी क्रिकेट खेलने वाला, लंबे रन करने वाला। यूनुस खान पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला बैट्समैन बना जिसने 10,000 रन टेस्ट मैच में किए। तो हम इसको कप्तान जितनी देर रखेंगे वाइट बॉल क्रिकेट में, मेरे ख्याल से मेरी क्रिकेटिंग राय है एज अ सीनियर क्रिकेटर वो समझता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी ओपिनियन दी है, बाकी वो बेहतर समझता, उसकी फैमिली बेहतर समझती, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर समझता कि अगर हमने उससे 25,000-26,000 रन बनवाने हैं तो मेरे ख्याल से उस पर प्रेशर कम कर देना चाहिए और अपनी बैटिंग की तरफ फोकस करे, 50-60-100 करे इंटरनेशनली, फिर इतने रन करे तो ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान को वो रहेगा, ना कि इसकी कैप्टनसी में अगर टीम ना जीते इस पर प्रेशर आई, या खुद परफॉर्मेंस करेगा लेकिन प्रेशर इस पर आएगा तो इसको क्रिटिसिज्म फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा रिलीज करना चाहिए। और मैं नहीं, बाकी भी की बात ठीक है मैंने की है, बाकी क्रिकेटरों ने भी की है, अगर इसको पॉजिटिव लेना चाहता है तो ठीक है, बाकी ऑप्शन बहुत है पाकिस्तान की क्रिकेट में। मैंने कहा था T20 में कप्तान इमाद वसीम को भी होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा ना वो उस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक आपके पास कंप्लीट ऑलराउंडर है, कैप्टनसी के जरासीम है उसके पास, उसने PSL में, डोमेस्टिक में, इस्लामाबाद रीजन की उसने कैप्टनसी की है, अपने डिपार्टमेंट की है, फिर पाकिस्तान टूर्स पे की हुई है उसने ये टीम के, तो एक अच्छी ऑप्शन है। बाबर को ठीक है आपने कप्तान बनाया, उसने सिर्फ कैप्टनसी की है अंडर 19 में, अंडर 19 में कैप्टनसी नहीं होती आपकी, होती है डोमेस्टिक में भी, ए टीम के टूर्स हो वहाँ पे भी आप कप्तान बना के भेजे, फिर आप कहते हैं कि नहीं ये पाकिस्तान के लिए तैयार है। अंडर 19 के बाद उसने डोमेस्टिक की कोई कैप्टनसी नहीं की, आपने देखा होगा वो पाकिस्तान कप्तान बनने के बाद बना है, ये भी देखे ना वो डोमेस्टिक टीमों का कप्तान बना, तो PSL में भी पाकिस्तान बनने के बाद ही वो उसने लास्ट सीजन कराची किंग की कैप्टनसी की है। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं किसी प्लेयर्स के मतलब, उस प्लेयर्स के मतलब जो परफॉर्मर हो, बैटिंग लाइनअप को वो लेके चल रहा है उस पर डिपेंड कर रही होती है पूरी बैटिंग लाइनअप, उस पर थोड़ा प्रेशर रिलीज करना चाहिए। बाकी PCB का चेयरमैन साहब का डिसीजन है, क्या कर सकते हैं उसके साथ, फिर और भी बड़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, करनी भी चाहिए, मैंने कहा ना टाइम इतना मिला, और चेयरमैन वो क्रिकेटर्स मैनेज करने वाले बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हर चीज़ में, उनको ज़रूर आजमाना चाहिए। मेरी तो यही अपील है चेयरमैन साहब से, अगर कर सकते हैं इन बंदों को चेंज करना चाहिए जिनके हाथों में टीम है, जिन्होंने क्रिकेट चलाई है 3-3, 4-4 साल से है, जिनके मैंने नाम लिए हैं, उनको नहीं होना चाहिए अगली सिलेक्शन में, नए चेहरे आने चाहिए। हम लोग इस पर भी मज़ीद डिस्कस करेंगे, कुछ हम साथ साथ ज़रा कैजुअल चिट चैट भी करते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी दोस्ती किसके साथ है टीम के अंदर अपने दौर में जब आप खेलते थे? देखिए हमने क्रिकेट बड़ी इकट्ठे शुरू में खेली है, शुएब मलिक था, तौफीक उमर था, इमरान फरत था, हम लोग लाहौर में होते थे, राव उस्मान है हमारा अंडर 15 मेरे साथ उसने टूर किया हुआ, ये हमारा एक ही बैच होता था, हम लोग इकट्ठे आते जाते अच्छा। थे कुछ मेरे क्लब के दोस्त हैं, शुक्र है वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हुए हैं अच्छा। एक अमेरिका में सेटल हो गया, एक कनाडा में सेटल हो गया, चलो अगर हाफिज मिला तो हाफिज उस्मान जी जी जो आपके जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में आते होते थे जी जी, और एक मौजम शेख है तो वो चले गए हुए उनके साथ काफ़ी, लेकिन अच्छा टाइम गुजरा, और अच्छी चीज़ ये है कि अच्छे हाथों में अच्छे दोस्त और अच्छी फैमिली मेरा पूरा ओवरऑल रिलेटिव जो भी है बड़ी सपोर्ट मिली उनसे माशाल्लाह। शादी लव मैरिज थी कि अरेंज थी माशाल्लाह अच्छा। और मेरे वालिद साहब ने और मेरी वालदा ने, मैं तो टूर पे था 2005-06 में वेस्ट इंडीज़ के, तो मुझे जब मैं आया हूँ तो उन्होंने कहा आपकी शादी हमने सोचा करनी है, तो ये लड़की है, तो काफ़ी मैंने शुरू में डिबेट बहस बूस थोड़ा सा नाराज़ भी हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा बड़े हैं उन्होंने बेहतर ही सोचा होगा, तो अल्लाह का शुक्र है, फिर मैं आज तक अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब ने जो भी सोचा मेरे मतलब मेरी माँ ने, वो
अच्छी जिंदगी गुजर रही है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 2 बेटी 1 बेटा। अच्छा माशाल्लाह। आपने भी कभी कोई दूसरी शादी का सोचा? हम अब नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने, क्रिकेटर्स ने, जिनको आप भी जानते हैं मैं भी, उन्होंने दूसरी की है। आफत साहब आप हमें मशवरे दे रहे हैं, आपने लगता 2 की हुई है। नहीं भाई, मेरी एक ही है। आप चाहते हैं कि जो भी आपके सामने बैठे आप उनको कन्विंस करें दूसरी? मैं कह रहा हूँ सवाल तो करो। देखिए सवाल आपका मेरे ख्याल से जरूर आपने किया तो है, लेकिन जवाब मैं जरूर दूंगा। कभी सोचा नहीं है, कभी जरूरत नहीं पड़ी, और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है, खुशी से गुजर रही है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी जबरदस्त है। तो यही एक चीज चाहिए होती है लाइफ में, आप जिंदगी और आसान करनी हो तो ये अल्लाह का शुक्र सारी चीजें मिली हुई हैं। जब माँ बाप ने सोच के करवाई है, मेरी वाइफ आई है जिंदगी में, तो फिर अच्छी गुजरेगी ना। माशाल्लाह, नहीं कहना भी चाहिए ताकि वो देखे, उन्हें आप पता चले। रहे। मैं मुझे लग रहा आपका चांस बन रहा है, आप सोच रहे हैं। मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ जी मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप खुश है, फिर नेक्स्ट टाइम किसी गेस्ट को ना बोलिएगा। नहीं, गेस्ट से तो हम वैसे अजराए मजाक से पूछते होते हैं। अच्छा कमरान, ये बताएं कि आप माशाल्लाह एक शुरू से ही बहुत अच्छा खेलते रहे, बड़ा अच्छा नाम और बड़ा अरसा तक टीम में रहे, कुछ टीम मेंबर्स के स्कैंडल्स भी आते हैं, आपका कोई ऐसा उस तरह का स्कैंडल नहीं आया? क्या वजह थी? बहुत मोहतात होके काम करते थे या आदमी शरीफ थे कि स्कैंडल से ही बचना? देखिए सर, आपका माशाल्लाह बड़ा साफ सुथरा करियर गुजरा। आपने मुझे इस सवाल में दोनों चीजें आपने कह तो दी है, अब मैं किस पे रहूं मुझे समझ नहीं आ रही। बस कोशिश करते हैं। देखिए जब आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं तो पाकिस्तान पहले होता है, कोशिश करते हैं ऐसी कोई चीज ना हो जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। बाकी प्लेयर्स भी सच ऐसे नहीं है, थोड़ा ट्रैप हो जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जिन प्लेयरों के साथ रहे हैं उनका बड़ा फ़ायदा हुआ हम लोगों को। जैसे बड़े प्लेयर्स से इंजी भाई, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रजाक जैसे है, और शुएब अख्तर जैसे, ठीक है उनके इशू ज़रा डिफरेंट है, लेकिन हमारा फोकस उनकी तरफ, उनकी मेहनत देख के इन चीज़ों की तरफ थे कि वो परफॉर्मेंस कैसे करते हैं। वकार भाई हमारे कैप्टन, मेरा डेब्यू हुआ उनकी कैप्टनसी में, तो ये चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव थी। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि मैं इन प्लेयरों के साथ खेला हूँ, तो उसका ही फ़ायदा। तो बस फोकस हमारा क्रिकेट की तरफ, उनके क्रिकेट के साथ कोई हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह यही आप कह सकते हैं। अच्छा फिटनेस का क्या राज है? ऑफकोर्स स्पोर्ट्समैन की होती है, लेकिन मैं आपको जब से देख रहा हूँ सन 2000 जब से आप पंजाब यूनिवर्सिटी में आते जाते थे, तब से आप माशाल्लाह इसी तरह ही हैं, वो ही लोग क्या तकरीबन? देखिए उसकी वजह यही है, ट्रेनिंग अभी भी करते हैं, अभी भी करते हैं फुल टाइम, अभी खेल रहे हैं, और उसमें स्टिल वही जो पहले था, जैसे मैंने अभी बात की, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पूरी 100% है अपनी क्रिकेट के साथ। फिजिकल ट्रेनिंग ये चलती रहेगी जब तक आप खेल रहे हो। क्रिकेटर कोई भी एथलीट हो, वो ट्रेनिंग छोड़ देगा तो फिर आपको पता है थोड़ा सा मामला खराब हो जाते हैं, शेव खराब हो जाती है, उसको मेरी तरह पेट पे हाथ रखना पड़ेगा। तो ये हम कोशिश करेंगे जब तक अल्लाह ने जितनी जिंदगी लिखी हुई है इसको कंटिन्यू रखें, चाहे खेले या ना खेले इंशाल्लाह। पिशावर ज़ल्मी आप लास्ट ईयर भी नहीं खेले, और अभी क्या प्लान है? लास्ट ईयर मैं खेला था, थोड़ा इशू बना था, तो वो बस सेटलमेंट हो गई थी। पाकिस्तान को सामने रखे, PSL को सामने रखे और फ्रेंचाइज को सामने रखे, इस बार अब छुट्टी ले ली है। 7 साल बड़े हैं पिशावर ज़ल्मी के लिए, और हर अच्छे बुरे टाइम पे उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया पूरी मैनेजमेंट ने, और बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही है। तो अब आगे को सोचना चाहिए कोई और टीम की मतलब। पॉलिटिक्स कितनी है टीम के अंदर, या आपके दौर में ज़्यादा थी या आज के दौर में, कि बिला वजह किसी के साथ अगर निकालना है टीम से तो वो भी हो रहा है, किसी को फेवरिज्म में लाना है तो वो भी चल रहा है? जब हम लोग खेलते थे, मैं बात कर रहा हूँ 10-15 साल पहले, जी जी बिल्कुल, जो भी ऐसी उस वक्त हम छोटे छोटे होते थे। नहीं आप भी नहीं, आप छोटे होते हैं, लेकिन ये है कि उस वक्त आप ये कह सकते हैं कि उसका नाम, उसकी क्रिकेट थोड़ी सी लंबी होती थी, प्रोसेस के साथ आना होता था। देखा तो नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि वो उसको ही सपोर्ट करते थे जो कुछ करके आता था। तो आजकल थोड़ा से ये भी है साथ, और दूसरी चीज़ें भी मिल गई हैं सारी, अब वो मैं बार बार कहता हुआ अच्छा नहीं लगता, जिसका नुकसान है, तो आजकल वो नज़र तो आ भी रहा है, तो उस चीज़ पे कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। आप जब तक ऑनेस्टी होके काम नहीं करेंगे, ऑनेस्ट होके काम नहीं करेंगे, उतनी देर आप कामयाब नहीं हो सकते। और हमने देखा कि अच्छी चीज़ को कोई नहीं रोक सकता, और अच्छी चीज़ हमेशा कामयाब होती है, चाहे आपकी सिलेक्शन हो, चाहे आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे आपकी पाकिस्तान टीम की तरफ से खेल रहे हो, परफॉर्मेंस हो,
जब ऑनेस्टी के साथ खेलते हैं, सिलेक्शन होती है, तो सारी चीज़ें ठीक हो रही होती है। तो ये अनफॉर्चुनेटली इस दौर में मैं थोड़ा समझता हूँ कि दूसरी चीज़ें बहुत सी आ गई हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन होती है। परफॉर्मेंस कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक्सपीरियंस कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ एक दो मैचेस खेलें, आपसे मैं अच्छा मिलता हूँ, आपको टाइम देता हूँ, गपशप लगाते हैं जैसे अभी हम लोग लगा रहे हैं, तो आपकी डेफिनेटली फिर थोड़ी सी परफॉर्मेंस होगी, वो 200% दिखाई जाएगी, बात की जाएगी उस पर, तो वो सिलेक्शन हो जाएगी। खाना शाना पका लेते हैं या घर पे कभी कुकिंग करते हैं इस तरह के? मैंने खाना बनाया हुआ है जब मैं लीग क्रिकेट फर्स्ट टाइम खेला था। अच्छा। 2000 में तो यंग था, इंग्लैंड में गया था खेलने, वहाँ पे आपको पता है कि रहना पड़ता है अकेला, तो खाना पीना भी, तो कितनी की देर आप बाहर से खा सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट भी इतना नहीं होता था, तो सारे पैसे खाने पे ही हमने लगाने, तो इसलिए थोड़ी सी ग्रोसरी करके आ जाते थे और बना लेता था जो मुझे बनाना आता था। उसमें अल्लाह जनन सी करे वालदा को मैं फ़ोन लगा लेता था, तो उनसे पूछता रहता था फ़ोन पे क्या बनाऊँ, क्या मैं मिर्चें, ये सारा कुछ पूछता था। अभी इतना टाइम हो गया तो वो सारा मुझे बताते होते थे, तो कोई 3-4 दिन की मैं कुकिंग बना के फ्रीज कर लेता था, उसी को फिर अच्छा होता था, तो फिर ऐसे आगे वो ख़त्म हो जाते, तो फिर मैं अगली कोई डिश बनानी होती थी तो वालदा से पूछता था। अच्छा, मेरे साथ भी ये सेम हुआ है। मैं इंग्लैंड में था 2012-13 में, तो अम्मी को फोन करता था और अम्मी कॉल पे बताती थी पराठे का भी इवन टाइम कि अच्छा आप साइड चेंज कर दो, अब ये कर दो, रोटी छोटी का तो वहाँ पे पीटा भेज देती है, पीटा ब्रेड का, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं थी तो मैंने रोटियां भी पकाई हुई। कुकिंग जरा करनी मुश्किल होती है अगर ना एक्सपीरियंस हो, तो ये जरा हमें फायदा होता था वालदा का। ड्राइविंग खुद करते हैं कि ड्राइवर रखा हुआ? नहीं, खुद करते हैं। ड्राइव लॉन्ग ड्राइव पे भी कहीं भी मैं ड्राइव बड़ा एंजॉय करता हूँ। मैं इस्लामाबाद या एबटाबाद तक हमारे डोमेस्टिक मैच होते हैं, फिर लड़के सारे मिलके जाते हैं, तो ज़रा इंजॉय करता हूँ मैं, ज़रा शुगर लगाते जाते हैं, ज़रा रुकते जहाँ मर्जी रोक लेते हैं, तो इसलिए ज़रा चलान भी हो जाता है कभी? चलान हुए हैं, बहुत से हुए हैं, ओवर स्पीड पे बड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि उस पता नहीं चलता, आपको पता मोटरवे पे खासतौर पे, हाँ बिल्कुल नहीं पता चलता नहीं होता, तो वो ऐसे चलान हो जाता, तो चलान करवा लेते आराम से, उन्हें कहते हैं यार मैं कामना ना कमलूं मेरा भी चलान। सर वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, पहचान ले तो ठीक है, नहीं तो हम फाइन पे कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, सिर्फ मोटरवे पे नहीं, कभी बंदा मोबाइल यूज कर रहा है, मेरे ख्याल से बहस करने की जरूरत नहीं या बताने की जरूरत क्या है, बिल्कुल बिल्कुल वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो अगर हमें वॉर्न कर देते हैं तो वो हमारा काम है सुनना और काम उस पर अमल करना, ख्याल रखना, ख्याल रखना बड़ा जरूरी है उनका, नहीं तो इशू बड़े पैड़े बन जाते हैं। उस इशू पे हम जिक्र नहीं करते, नहीं वो भी इशू को ना ही करें, अच्छा वो भी हमें पता क्यों बना, इसलिए अच्छा नहीं फिर तो करते हैं क्या, किसी ने बनवाया था स्पेशल? नहीं, वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना अदारा हमारा, हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे वो हमारी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा वो भी छोड़े, पुराना हो गया जो ना सा हो गया, छोटे मोटे मसले हो, खैर बड़े शहरों में छोटे छोटे मसले हो जाते हैं। अच्छा, आपने वो ACC के जो सदर हैं जय शाह जी, उनके बारे में आपने कुछ कहा था, क्या उन्होंने कोई फिर उसका जवाब दिया या उस पर कुछ हो रहा है या क्या चल रहा है? देखिए हमें जवाब क्यों दे, हमने अपनी राय दी है, पाकिस्तान का नाम है, वर्ल्ड चैम्पियन है, T20 के भी हैं, 50 ओवर्स के भी हैं, टेस्ट मैच भी हम लोग नंबर 1 रहे हैं और टॉप क्लास हमारी क्रिकेट रही है। हमने बड़ी स्ट्रगल की है 10-11 साल पाकिस्तान में, बिल्कुल 2009 अटैक के बाद क्रिकेट श्रीलंकन टीम पे हुआ, तो हमने हमारे मुल्क ने बड़ी मेहनत की है टीमों को कन्विंस करने के लिए, पाकिस्तान में क्रिकेट लाने के लिए, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारी सिक्योरिटी ने, PSL की वजह से टीम आई है, शावर जलमी की वजह से डैरन समी, डेविड मिलान वगैरह, क्रिस जॉर्डन वगैरह ये आए हैं, तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिली है। और फिर पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि PTV पे डॉक्टर नुमान जैसे उन्होंने पैनल बिठाया होता था, कोई भी टीम कोई भी इवेंट आता था, बड़े बड़े नाम वो पाकिस्तान में लेके आए हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसका मैसेज पॉजिटिव जाता था वर्ल्ड क्रिकेट में, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो बड़े बड़े नाम लेके आए हैं। लेकिन ऐसे नहीं आप कह सकते कि आप टीमें अब सारी आ रही हैं और आप कह रहे हैं कि एशिया कप पाकिस्तान नहीं खेलने आएंगे, हम हर मुश्किल टाइम पे इंडिया गए हैं, 2012 में कोई इजी टाइम नहीं, बिल्कुल उस वक्त बहुत बुरे हालात थे, एक साथ की जंग में खेलने गए हुए, हमारे बोर्ड ने कहा हम चले गए हैं खेलने, कोई ऐसा इशू नहीं होता। और ऐसी बात करना इस टाइम पे मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं था, वर्ल्ड कप से पहले 2 दिन पहले आप बात कर रहे हैं या 3 दिन पहले कि हम एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे, ये नज़र आ रहा था कि हमें वो प्रेशर में ला रहे हैं,
हमारी टीम को प्रेशर में ला रहे हैं। तो फिर मैंने भी कहा कि ठीक है आप ऐसा करेंगे तो हमें तो ये चाहिए कि हम इस वर्ल्ड कप में भी ना खेलें, अगर वो हमें नहीं समझते तो हमें भी नहीं समझना चाहिए। तो ये देखें एक दूसरे को, जब तक हम लोग इस खत्ते में आपस में नहीं खेलेंगे तो लोग दूसरे हैं वो तो फ़ायदा उठाते जाएंगे, वो चाहेंगे कि हम लोग दूर ही रहें, उनके प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा IPL में खेलें, वो खेल भी रहे हैं, खेल रहे हैं उनके 12 साल से 11 साल से खेल रहे हैं ना, उनका क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे बताएं, कोई फ़ायदा हो रहा है? जब तक वो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खेलेंगे फ़ायदा उनको फिर ही है। कमर्शियली भी आप देखें, फिर लोग वहाँ पे जब हम लोग जाते थे, IPL मैं भी खेला हूँ फर्स्ट एडिशन, क्या हमारी टीम 2004 में 2 बार गई है, 6 में 7 में गई है, 12 में गई है, चैम्पियंस ट्रॉफी 2009-7 में गई है खेलने, तो हमें पाकिस्तान टीम को हमेशा बड़ा प्यार मिला, बड़ी सपोर्ट मिली, उनकी टीम इधर आई है 3 बार मेरे होते हुए, मेरे हम लोग भी खेले हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत मिला। ये आपस की लड़ाई में पॉलिटिशियन बीच में लाने की ज़रूरत क्या, पॉलिटिशियन जितने भी हैं वो आप सियासत करें अपने ओपोनेंट जो उनके साथ करें, इंटरनेशनली क्यों कर रहे हैं? ऐसी चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और मैसेज उन्होंने बोर्ड को देना, ICC को देना, मुझे थोड़ी देना, एज ए क्रिकेटर हमने बात की है, पाकिस्तान को सामने रखे, पाकिस्तान का नाम है, इज्जत है, उसके लिए तो हम लोग हर बंदा उठ जाएगा। तो ये चीज़ें कहनी बड़ी ज़रूरी है, मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग जा सकते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए 2011 का उन हालात में, तो वो क्यों नहीं आ सकते? आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है इंडियन क्रिकेट टीम में, यानी जिसके साथ अच्छी गपशप हो ओवरऑल? तो देखिए सारे बहुत जबरदस्त क्रिकेटर हैं, गौतम के साथ हम लोग काफ़ी ये टीम के टूर्स इंडिया में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा ज़बरदस्त लड़का है। अब आपको पता कि वो ज़रा सियासत में आ गया तो उसको मजबूरन ऐसी बातें करनी पड़ती है, पहले नहीं करता था वो, और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा उसके साथ। धोनी बड़ा ज़बरदस्त इंसान है, रैना बड़ा ज़बरदस्त, युवराज, हरभजन, इनके साथ बड़ी गपशप रही है, सहवाग के साथ बड़ी ज़बरदस्त रही है, क्या प्लेयर था, मज़ा आता था देखने का, और अच्छी गपशप, प्यार मोहब्बत भी, और अच्छा टाइम भी गुजरता था ग्राउंड में भी। एक ग्राउंड में एक डिफरेंट हम हो जाते हैं दोनों, वो भी हम लोग भी, तो जब होटल में जब ऐसे बैठते हैं रात को, कभी डिनर कर रहे होते हैं इकट्ठे, चाय शाय पी रहे होते हैं, गपशप लग रही होती है, तो अच्छा टाइम गुजरा, अभी भी मिलते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट होती है एक दूसरे की। सबसे ज़्यादा आप जब खेलते थे तो किस बॉलर से आप घबराते थे, क्या घबराते थे या घबराते ही नहीं थे? अगर घबराते थे तो किससे कि यार ये ना ही आए तो बस ठीक है? नेगरा को बड़ा वो, अच्छा। आपको पता है कहीं पे भी जैसी भी कंडीशन हो दुनिया, हम तो खैर बहुत ही छोटे प्लेयर्स थे, बाकी दुनिया के हर प्लेयर्स को उसने आगे लगाया होता था, मुश्किल होती थी। फिर शॉन पॉलक था, ये दो बॉलर्स मेरे ख्याल से बड़ी स्ट्रगल होती थी इनको खेलते हुए, मुश्किल होती थी ये, उसके अलावा तो कोई ऐसा रिसेंटली जो खेला हूँ 2012-13 में मिचेल स्टार्क जरा, तो आप कह सकते हैं कि उसने थोड़ा टफ टाइम दिया। अच्छा, जब आप क्रिकेट खेलते थे उस वक्त कोई खिलाड़ी ऐसा भी था, हम नाम नहीं अब लेंगे, कि जिससे आपकी ना बनती हो, टीम में थे लेकिन दोस्ती नहीं थी, आप कहते थे यार बस ठीक है टीम में है ठीक है लेकिन गपशप कोई नहीं, कोई ऐसा बंदा रहा? तो नाम नहीं लूँगा तो कैसे पता चलेगा फिर नाम? नहीं नाम मैं कभी ऐसा मैंने लिया नहीं है किसी भी TV इंटरव्यू में, डिजिटल लेना भी नहीं चाहिए जी, इसलिए मैंने तो काफ़ी दो तीन लड़के हैं, लेकिन यह है कि अपने काम से काम, और यही होता था कि बस कोई प्रॉब्लम ना हो टीम में, कोई ऐसी चीज़ ना नज़र आए कि दूसरे लड़के तंग हो, ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब हो, उस पर फोकस जब ग्राउंड में चले जाते तो फिर ग्राउंड की तरफ होता था कि बेस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं टीम के लिए, वो सोचते थे चाहे वो हो चाहे मैं हो। अच्छा, अभी आगे आपका क्या प्लान है, कोचिंग की तरफ जाने का प्लान है या कमेंट्री की तरफ जाने का प्लान है? देखिए प्लान्स अभी फ्यूचर टूर लिए कुछ कहना, अभी 2 साल खेलेंगे क्रिकेट, लीग क्रिकेट खेलेंगे और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इन 2 सालों में अच्छी क्रिकेट खेलें और परफॉर्मेंस दें, फिटनेस दें, बाकी देखेंगे किस तरफ जाते हैं। जहाँ देखिए जैसे टीम पहुंची है पाकिस्तान की, अल्लाह ने कर्म किया तो हमारा भी बिलीव अल्लाह पे है, अल्लाह ने जो लिखा होगा बेहतर ही लिखा होगा, और कोशिश करेंगे जो लिखा हो जो मिले उस पर ऑनेस्टी के साथ काम करें। अच्छा, बच्चों के साथ आप किस तरह के हैं, सख्त हैं या दोस्त हैं उनके या बिल्कुल चिल हैं? अब जैसे मेरी बेटी है ना, मैं तो बिल्कुल, यानी वो कमरे में होती है तो 3 साल की, अब नीचे मिसेज मुझे कह रही होती देखना ये ड्रेसिंग ना खराब करो, मैं उसे कहता हूँ बेटा जो करना है करो,
वो जब माँ आती है तो वो शोर में जाती है, फिर मेरी भी क्लास होती है, उसकी भी क्लास होती है। तो आप कैसे बच्चों के साथ? मैं ऐसा ही बच्चों के साथ बड़ा फ्रेंडली, और बच्चे भी माशाल्लाह, जब आपको पता है कि क्रिकेट में होते थे इतना टाइम नहीं मिलता था, तो अब टाइम काफी मिल रहा है 4-5 साल से, और बड़ा जबरदस्त टाइम गुजरता है, बड़ा इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, और फ्री टाइम मेरा बच्चों के साथ ही होता है। मगरिब तक मैं होता हूँ सारा दिन, मेरा वो ग्राउंड का टाइम है अभी भी। मगरिब के बाद स्कूल गोएंगे, आपको पता है थोड़ा अर्ली सो जाते हैं, जब तक वो सोते नहीं है, तो मेरा टाइम उनके साथ ही होता है और अच्छा गुजरता है, और इससे अच्छा टाइम मैं नहीं समझता कहीं और गुजरता, बिल्कुल जो बच्चों के साथ होता है। तो बेटे का प्लान है इस फील्ड में आने का, या वो कुछ? देखिए यार, अभी तक तो 11 साल का, मुझे कोई चीज नजर नहीं आई उसकी इस तरह आते हुए की तरफ, तो टू अर्ली है कुछ कहना। लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं, अभी बस पढ़ाई की तरफ लगा हुआ है, और दोनों बेटियां भी माशाल्लाह पढ़ाई की तरफ लगी हुई है। माशाल्लाह, आपने कहां तक की थी पढ़ाई? आप बिलीव करेंगे, मैं अंडर मैट्रिक हूँ। अच्छा, हाँ जी। लेकिन क्रिकेट बात करते हैं माशाल्लाह, भी आप बड़े बड़े चैनल्स पे, आप पैनल में होते हैं, बात कर रहे थे, तो कहीं से लगता नहीं है कि आप? सर, हम मैंने कहा ना कि टूर्स करने का, टीम के साथ रहने का कुछ तो फायदा हुआ, तो ये सारी चीजें आप सीखते हैं जब आप अच्छे बंदों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, फिर इंटरनेशनली कर रहे होते हैं, तो थोड़ा बंदा सीख ही जाता है। तो हमें आज यही आप कह सकते हैं, फिर ऐसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा जो बेहतर कर सकते हैं वो हमने सीखा और किया, और क्रिकेट की वजह से स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सका, और ऑनेस्टली बताऊँ शौक भी बिल्कुल बस पतंगबाजी और क्रिकेट का ही शौक था, जिसकी वजह से स्टडी कंटिन्यू कर सका। लेकिन आजकल आप इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, अब हर चीज़ हम लकी हैं कि मैं क्रिकेट खेल गया हूँ। अगर मैं ना क्रिकेट खेल रहा होता या ना मिली होती, तो मेरा आप देखते हैं कि दूसरा रुख क्या होता, मैं कितनी स्ट्रगल कर रहा होता। तो इसलिए इस चीज़ में यह है कि आप पढ़ाई ज़रूर करें अपनी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप एक चीज में कामयाब नहीं होते तो पढ़ाई एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं तो आपको रास्ता बनाती है, आपका फ्यूचर बनाती है। तो इसलिए मेरा फोकस यही है कि हम जो हम लोग नहीं कर सके वो अपने बच्चों को बच्चे कर जाए। हाँ जी, बिल्कुल। हम भी यंग जनरेशन से जूझते यही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के अलावा साथ कुछ स्किल भी सीख लें। हर बंदा क्रिकेटर नहीं बनेगा, हर बंदा जो है वो सेलिब्रिटी नहीं बनेगा, वो स्टडी वाहिदायक है, आपको दूसरी स्किल डेफिनेटली कोई ना कोई आपको हेल्प करती है, बिल्कुल होनी चाहिए, जिससे आप कुछ ना कुछ कमा सके। अच्छा, आप खुद बड़े अच्छे विकेट कीपर रहे और अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन टीम में जिस तरह आप खेले, अभी रिजवान और मोहम्मद हारिस जो भी नया आया बच्चा, उस इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? खासतौर पर रिजवान के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि वो T20 में टॉप फर्स्ट पे भी आया, फिर सेकंड थर्ड पे है, एज अ विकेट कीपर आप उसे कैसा देखते हैं और एज अ बैट्समैन आप उसे कैसा देखते हैं? देखिए, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और रिजवान ने जैसे परफॉर्मेंस दी है, जैसे नंबर वन आया, बाबर को, बाबर से आगे जाना उसकी मेहनत है और परफॉर्मेंस तो होती है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के लिए इस वक्त एसेट है रिजवान, और जैसे सेटल हो गया, जितना एक्सपीरियंस हो गया, अब इसका ग्राफ और ऊपर जाना चाहिए, और थोड़ी डेवलप अग्रेसिव बैटिंग नज़र आनी चाहिए, विकेट कीपर तो है ही अच्छा है, और बेहतर होना चाहिए। हारिस के पास वो टाइम है, अभी मैंने बताया ना कि एक दो परफॉर्मेंस पे लाना सम टाइम बैकफायर होता है, अभी लकीली उसने 25-30 किए हुए, उसमें हम लोग बड़े खुश हैं, और डोमेस्टिक में उसको बड़ा कुछ करना पड़ेगा। जो क्रिकेट डोमेस्टिक में मिलती है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया से आया है, उसको चाहिए खेले वो जितने डोमेस्टिक में मैचेस खेल रहे हैं, ना कि आप उसको टीम के साथ रखे, डगआउट में बिठाई रखे, रिजवान खेल रहा हो वो डगआउट में बैठा हो, तो वो नुकसान उसका, हारिस का भी है, कंट्री का भी है। तो ऐसे प्लेयरों को जब आप होम सीरीज खेल रहे हो, डोमेस्टिक खेलने दें, जब ज़रूरत होगी तो बुला लें। और अच्छा, पाकिस्तान के पास एक कॉम्पिटिशन आ गया हुआ है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होना ज़रूरी है, लड़के रिलैक्स नहीं रहते, और रिजवान का तो इस वक्त मैच कोई भी नहीं है, सरफराज भी है, सिर्फ हारिस नहीं है, बहुत सी ऑप्शन आ गई। हारिस से पहले रोहेल नज़ीर था इस्लामाबाद का, उस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई, उसको ए टीम के भी टूर्स करवाए हुए, कप्तान बना के भेजा हुआ, उसने परफॉर्मेंस दी हुई है, ना कि हमने सिर्फ अब हारिस पे फोकस करना है, और इन लड़कों को भी सोचना पड़ेगा, इनको भी अपने साथ रखना पड़ेगा, कैंप में लाना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, परफॉर्मेंस है उनकी,
ये नहीं कि हमें रिजवान मिल गया तो हम हारिस करना सोचे, हारिस मिल गया तो रोहेल नजीर करना सोचे, और यही चीजें मेरे ख्याल से देखनी पड़ेगी। अच्छा, आप काफी टेक्निकल बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है एज ए क्रिकेटर आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन कौम हमारी क्या देखती है यार, 11 गेंदों पे 28, बड़ा बड़ा बैट्समैन है जी, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि बैटिंग जो है वो एक तरतीब से होनी चाहिए, या बस ठीक है चौके छक्के उठा के जो मारते हैं, पूरी कौम तो उसी बंदे को पसंद करती है, 2-4 चौके छक्के मार दो, तरतीब से बड़ा बैटिंग करनी बड़ी जरूरी है। जैसे आपने कहा, आपको कंडीशन ईजी मिल जाएगी, जैसे सिडनी में हमें 2 मैच मिल गए, सेमीफाइनल भी मिल गया तो हमने मार दिया, थोड़ी सी मुश्किल कंडीशन आई, वही हारे साहब को पता, मेलबर्न में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, थोड़ा सा पेस मिला, बाउंस मिला, उसमें स्ट्रगल मिली उसको, तो ये चीज़ें सारी सामने रख के उसको अब देखना पड़ेगा कि अब मैंने क्या करना है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है, मैच्योर कैसे करना। जब तक वो खेलेगा नहीं, मैचेस नहीं खेलेगा, वो मैच्योर नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं आएगा, रन्स करने का प्रोसेस उसको पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें किसने करवानी है? मैनेजमेंट ने करवानी है, ना कि आप टीम के साथ रखे, रिजवान अवेलेबल है तो आप उसको खिला रहे हैं और वो डगआउट में बैठा हुआ है। फिर दूसरी टीमें, छोटी टीमें आती हैं, नदरलैंड, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश या इवन जिम्बाब्वे, अब इन टीमों के खिलाफ इन प्लेयरों को ऐसे डेवलप किया जाता है। हाँ, और ऐसे सीनियर को रस दे दें उनको खिला। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हो रही। हम नदरलैंड एशिया कप से पहले गए हैं तो पूरी टीम हमारी खेल रही है, तो आप लड़के कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे मैच्योर कर सकते हैं? तो इसलिए इन प्लेयरों को जब तक आप इंटरनेशनली, अगर आप हिस्सा बनाया हुआ 24-25 लड़कों का कि जो ये पाकिस्तान के लिए निकाले होते हैं, फिर उन लड़कों को ऐसे यूज़ किया जाता है, ऐसे एक्सपीरियंस दिया जाता है, वो बड़ा ज़रूरी है। हम लोग डर रहे हैं, दिलेरी नहीं है, तो यही चीज़ हमें नुकसान कर रही है। प्लेयर्स डेवलप नहीं हो रहे, कोई जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, सिक्योरिटी उनको देनी पड़ेगी प्लेयरों को, सीनियर प्लेयरों को। आप ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स देखें, विराट कोहली कितना अरसा, वो T20 100 मैच हुए हैं उसके एशिया कप में जाके, कितने अरसे से खेल रहा है वो। रोहित शर्मा आप देखें, कप्तान होके बाहर बैठ जाता है। ऐसा विजन होना चाहिए हमारे प्लेयरों में, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जब वो अवेलेबल हो, बड़ी टीम आए तो वो ऑटोमेटिक च्वाइस हो, वो मैनेजमेंट की तरफ से आएगी। जब मैनेजमेंट खुद डरी होती है, या 3-3 साल हो गए हैं उनका चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तो फिर वो ऐसे डिसीजन लेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, तो और ऐसे प्लेयर डेवलप करने पड़ेंगे, सिर्फ हारिस नहीं, बाकी जो विकेट कीपर्स हैं इनके बारे में ऐसे इनको एक्सपीरियंस। अब इंडियन टीम में आज मैं T20 देख रहा था, 3 विकेट कीपर्स खेल रहे थे। अच्छा, T20 में स्क्वाड में 3-3 विकेट कीपर है, वो हमारे यहाँ बस एक ही होता है, तो एक होता है तो वो जगह ही नहीं छोड़ते, बनाते ही नहीं है। मैं भी था, मेरे साथ भी काफ़ी विकेट कीपर लगे होते थे, सरफराज रहा, उसने भी एंड टाइम पे आया, रिजवान को रखा साथ, तो जब उसको मौका मिला तो फिर उसने नहीं, अब किसी को। तो ये चीज़ें प्लानिंग के साथ करनी पड़ेंगी। देखिए उस टाइम क्रिकेट इतनी नहीं होती थी, आजकल आपने वर्कलोड मैनेज करना होता है, प्लेयर्स की आपने फिटनेस का सारा देखना पड़ता है। वो उसी सूरत होगा जब आप क्या नाम है उनको रेस्ट देंगे छोटी टीमों के खिलाफ। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? PCB चेयरमैन साहब की। उनको मेरे ख्याल से ये अब डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर आपने प्लेयर्स बनाने हैं, अगर इस टैलेंट को बचाना है, या इस टैलेंट को आप चाहते हैं कि अगले 20 साल ये सर्व करें, 15 साल करें, फिर ऐसे करना पड़ेगा। नहीं तो जो हाल हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का हुआ हुआ है, 6 टीमों का हुआ हुआ, आपको प्लेयर्स लालटेन ले कर निकलना पड़ेगा गलियों में, क्योंकि प्लेयर्स है अवेलेबल तो पाकिस्तान टीम के लिए खिलाएं। तो इस चीज़ से बचने के लिए तो ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एज अ विकेट कीपर आपका फेवरेट कौन था? एज अ विकेट कीपर देखिए, मैंने जब शुरू की थी राशिद भाई थे, 94-95 में जब मैं छोटा था, देखता होता था, अंडर 15 में जब मैं 96 में खेलने गया था, राशिद भाई को बड़ा मैंने फॉलो किया। दो ही विकेट कीपर होते थे, मोइन भाई या राशिद भाई, इनको मैं देखता होता था तो बड़ा खुश होता था, तो बड़ा इंजॉय भी करता था, मौका भी मिला उनके साथ टूर करने का, ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, जितना मैंने फ़ायदा उठाया इनसे वो मेरे ख्याल से किसी ने कम भी उठाया होगा इनसे, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस मेरे लिए बड़ा अहम था। स्टार्ट था मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में, सीखना था मैंने कुछ ना कुछ, इंटरनेशनली प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, इंटरनेशनली विकेट कीपिंग इतना क्राउड बैठा हो, कैसे अपने आप को काम करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। फिर बारी साहब उस वक्त बड़े गीत थे, चीफ सेलेक्टर थे, उनसे बड़ा कुछ सीखा है, तो ये चीज़ें मेरे लिए अभी तक वो फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान की बॉलिंग से आप मुतमिन हैं अभी जिस तरह का है, या आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए?
देखिए तब्दीली डेफिनेटली होनी चाहिए। मैंने कहा ना, जब छोटी टीमें आती हैं आपके पास, छठी सातवीं आठवीं नंबर की टीम, उससे नीचे जितनी 17-18 तक होती है, फिर आप अपनी मेन बॉलिंग को रेस्ट करवाएं। जैसे शाहीन आप देखें कि आपका कितना जबरदस्त फास्ट बॉलर्स मिला, लेकिन वो अभी देखें खिला खिला के इंजरी में, वो इंजर्ड दवाई ली है ना, लीग क्रिकेट में इजाजत दे के, काउंटी क्रिकेट में इजाजत दे के उसको इंजर्ड करवाई ली है ना हम लोगों ने। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी मेन बॉलिंग को एटलीस्ट रेस्ट जरूर दिया करें। और PSL एक आपके पास क्या नाम है, एक लीग क्रिकेट शुरू हुई है पाकिस्तान में, आप वो सिर्फ फास्ट बॉलर्स को खेलने की इजाज़त दें, बाकी जो लीग्स हैं वो ज़रा थोड़ा सा आपको लिमिटेड करनी पड़ेगी इनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए। तो इमाद वसीम जैसे ऑलराउंडर हमने तैयार करके साइड लाइन कर दी है, फहीम अशरफ जैसे, इमाद बट जैसे, आमर यामिन जैसे, सिर्फ जब आमर जमाल अभी नया बना, अब ये नहीं कि आमर जमाल को ही हमने सोचा, तो एटलीस्ट आप ये पूरा एक बेंच जो लड़कों का ना, आप इनको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आज इंडियन टीम ठीक है सेमीफाइनल तक पहुंची है, लेकिन वो टीम ऐसी नहीं थी, वो फाइनल खेलने वाली थी, जीतने वाली थी, लड़ने वाली थी। उनकी आज भी आप टीमें बना लेंगे ना, चार टीमें, वो चार टीमें बना देंगे सीरीज के लिए। हमने आइडेंटिफाई करना है कि जब कोई बड़ा इवेंट आता है, ICC का इवेंट आता है, उसमें हमारे लड़के कौन प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए आपको वो लड़के आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, वो तैयार करने पड़ेंगे। इंडियन टीम के साथ यही प्रॉब्लम है कि जब बड़ा इवेंट आ रहा है, धोनी का जाने के बाद कोई भी इवेंट आता है तो वो क्यों पैनिक हो जाते हैं। वो धोनी था, कप्तान था, ऐसा सेंसिबल था, जो उससे पहले कप्तान था सौरव गांगुली, जो टीम बना के गया, ये जो प्लेयर्स लेके आया, ये दो कप्तानों ने इंडियन टीम को उठाया। उसके बाद जो ICC इवेंट जो मिस कर रहा है इंडियन टीम, वो सिर्फ कैप्टनसी की वजह से नर्वस होकर खेल रहे होते हैं ICC इवेंट आप देखें। तो इन चीज़ों पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को समझ जाना चाहिए कि उनकी टीम इतना बड़ा उनका सेटअप है, इतनी बड़ी टीम है, क्यों वो पैनिक हो रही है, तो इसलिए ये करना बड़ा ज़रूरी है। मौला जट देखी है आपने? मौला जट देखी तो नहीं है, तारीफ बड़ी सुनी है। वैसे देखते हैं मूवीज या लास्ट टाइम कब देखते? बहुत कम। अच्छा, शौक नहीं है वो, इतना शौक नहीं है। और गाने वगैरह? बहुत कम, बहुत कम, बिल्कुल ही आप समझे कि ना होने के बराबर। और अगर कभी सुने तो किसको सुनते हैं, किस तरह के म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल, फोक या पॉप? सर जो लग जाए, ज्यादा राहत फतेह अली या सुन लेते हैं, और आतिफ असलम को तो सुन लेते हैं, इंडियन काफ़ी सॉन्ग है तो सुन लेते हैं जब मौका मिले, लेकिन ऐसा चितना नहीं है। अच्छा, नॉर्मली होता है ना लॉन्ग ड्राइव पे, जब आप लॉन्ग ड्राइव पे हो तो कुछ ना कुछ चला लेते हैं, तो आप? सर गाने में चलाता हूँ, आप जो पूछना चाह रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे सर गाने ही चलते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि किस किस्म के होने वो चले। देखिए मिक्स ही होते हैं सारे, लेकिन सात दोस्त यार होते हैं तो गपशप में टाइम गुजर जाता है। अगर अकेले जा रहा हूँ तो डेफिनेटली फिर थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनना पड़ जाता है। अच्छा, आज भी यानी आप एक नॉर्मल फैमिली से निकले, अल्लाह ने आपको बहुत उरूज दिया, अभी भी है माशाल्लाह, पुराने दोस्त जो इस तरफ ना आ सके हों या कैरियर ना बना सके हों, उनके साथ आज आपका कैसा ताल्लुक होता है, या आज भी उठते बैठते हैं वो उस दौर के दोस्त जो साइकिल और मोटरसाइकिल वाले होते थे? देखिए वैसे ही है, और वैसे ही मिलते हैं जब भी मिलते हैं, जैसे उस टाइम मिलते थे, और वो टाइम भूलना भी नहीं चाहिए। चाहे आप जहाँ कहीं मर्जी पहुँच जाए, आपको जितनी मर्जी इज्जत मिल जाए, जितनी मर्जी शोहरत मिल जाए, आप वो पुराना टाइम भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। अगर जिसने मजीद कामयाब होना है तो वो टाइम याद रखना पड़ेगा। हम लोग मॉडल कॉलोनी गुलबर्ग 3 में रहते थे, वो अभी भी घर हमारे पास है। जब भी हम जाते हैं वहाँ के जो हमारे दोस्त है, जो मोहल्ले की टीम है, वो उनसे हम लोग मिलते हैं, वैसे ही मिलते हैं, वही इज्जत है उनकी जो उस वक्त इज्जत होती है। ढाबे पे खाना चाना खाते हैं? बहुत खाया, बहुत खाया। अच्छा, डोमेस्टिक में हमें शौक होता था, वेट कर रहे होते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू हो, हमारी ट्रैवलिंग हो, दोस्त यार रोकें, खाएं पिए, तो ये खाया पिया हमने खूब है। और आज भी? आज भी, अभी भी जीटी रोड पे या मोटर वे, जहाँ कहीं भी हो हम रुकते जरूर, खाते जरूर है। ढाबा मिल जाए तो क्या मजा। हम लोग कराची में थे, कराची से हैदराबाद जा रहे थे, इन बिटवीन आपको बता के काफी ढाबे आते हैं। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल, लाहौर से तो इस्लामाबाद जा रहे हो तो मोटरवे है, वहाँ पे तो अब सारे जंक फूड जरा बड़े बड़े बन गए हुए हैं, लेकिन वो हम ज्यादा इंजॉय करते थे। हैदराबाद जाते थे, इन बिटवीन ढाबा चार पाई लगी हुई है,
तो खाते थे वहाँ पे बैठ के, तो मज़ा भी आता है और उसका अलग ही टेस्ट है, उसका अलग ही मज़ा है। थैंक यू कमरान भाई, आपने हमें टाइम दिया और आपने भी एक बात की थी कि आप सीखते रहते हैं, आपको काफी सीखने का मौका मिलता है, तो इंशाल्लाह हमारी पॉडकास्ट के बाद भी आपको काफी सीखने का मौका मिला होगा। काफी कुछ मिल गया मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।